और सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोले जय माता दी, ये गाना भरा, ये गाना गाना भरा, ये बोले ये चश्मे वालो जय माता दी, पूरे वालो जय माता दी। हे मैया मैंने तेरी पूजा की है दादा वे, जय माता दी, मुझको दर्शन दे दे मैया, कागजा दे मेरे जय माता जी। बोलो मेरे साचे दरबार की जय। सबसे पहले मैं अपने YouTube फैमिली और सभी सब्सक्राइबर को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी सबके ऊपर कृपा करे और हमारे ऊपर भी कृपा करे। इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। इसके पहले कि मैंने ब्लॉग्स में बताया कि हम लोगों की जम्मू की ट्रेन थी और हम लोग ट्रेन में थे, और आज के ब्लॉग में मैं बताती हूँ आपसे आप ट्रेन का एक्सपीरियंस और जम्मू में आने का एक्सपीरियंस उसके कैसा रहा, इसके बारे में मेरा आज का ब्लॉग्स है। हम लोगों की ट्रेन थी 2:30 पे गोरखपुर से और जम्मू तवी, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है 12:00 पे हम लोग जम्मू पहुँचे और फिर लोकल कैब लेके हम लोग कटरा आ गए। कटरा की रौनक इतनी अच्छी है कि फिर क्या ही बताया जाए। इनफैक्ट जब घर से हम निकलते हैं और ट्रेन के सफ़र में से लेके और माता रानी के दरबार तक पहुँचने तक एक नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं कि फिर इतना अच्छा लगता है। ज़िंदगी कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूरी दिखाती है। रास्ते में ट्रेन में इतना बढ़िया भैया ने इतना बढ़िया सॉन्ग प्ले किया कि बहुत देर तक टाइम का कुछ पता ही नहीं था। कुछ पैसेंजर तो सारे इनफैक्ट सारे पैसेंजर तो माता रानी के दरबार के ही थे। सब लोग एक दूसरे से बात करते वगैरह। हम लोग आ गए कटरा में। कटरा में की रौनक इतनी अच्छी थी, हम लोग काफ़ी देर तक कटरा में घूमे टहले, क्योंकि हम लोगों को कटरा आने में 7:00 हो गया था। तो हमने डिसाइड किया नेक्स्ट मॉर्निंग 4:00 में हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और फिर हम लोगों ने डिनर किया, बटर नान, सब्जी, पनीर, दाल फ्राई, हल्की राइस के साथ हमने डिनर किया। और फिर कटरा में ही बहुत देर तक हम लोगों ने टहला। कटरा की रौनक इतनी अच्छी है कि फिर लफ्ज़ों से कहा नहीं जाता। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं हो गई रेडी चढ़ाई करने के लिए।